अच्छा गुरुजी, हमारे यहाँ पर ना अर्धनारीश्वर की बात आती है, अर्धनारीश्वर के बारे में बार बार कहा जाता है, तो ये क्या फिनोमिना है हमारे यहाँ पर? ये क्या इशारा करता है? इसके पीछे क्या दर्शन है? और हालांकि दो धर्मों की तुलना उस तरह से नहीं हो सकती, पर जिस तरह से बाइबल में यह कहा गया है कि अपनी पसली से वो एक स्त्री का निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ पर और इसको देखें तो इन दोनों में कुछ अलग तरह की भिन्नता भी दिखती है? तो किस तरह से है ये? बिल्कुल भिन्न है। यहाँ ईव जो है वो पुरुष से पैदा हुई है, पुरुष के अंदर से। अर्धनारीश्वर में नारी से पुरुष नहीं पैदा हुआ, पुरुष से नारी नहीं पैदा हुई। परम सत्य क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कौन बताएगा? हमारे यहाँ ब्रह्म को नपुंसक लिंग माना गया है, इसलिए किसी भी ग्रंथ में, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, ब्रह्म को ना तो ही कहा गया ना शी कहा गया, उसको दैट कहा गया, तत्। न्यूट्रल जेंडर में इट लगाते हैं, ही और शी नहीं लगाते। अंग्रेजी में जो ही न्यूट्रल जेंडर की चीज़ें लिखते हैं उसमें किसी को ही नहीं लिखते, किसी को शी नहीं लिखते। तो परम सत्य क्या है, हमारे यहाँ ये कहा गया कि परम सत्य है क्या? तो परम सत्य के बारे में कोई जानता नहीं कि वो ही है शी है। तो हमारे यहाँ कहा दो दैट जो है, क्योंकि वो चेतन है, परम सत्य तो चेतन है ना, चेतन इसको तो हम परम सत्य मानते हैं। तो चेतन है वो, दोनों रूप में प्रकट हो सकता है, शी में भी ही में भी, वो नारी भी है पुरुष भी है। उसको आप, अब इसमें एक दिक्कत ये पड़ी कि जब ये फेमिनिन आंदोलन चला फेमिनिस्ट का अमेरिका के अंदर, कि हर जगह मैन जो है उसको हटाओ, चेयरमैन, तो चेयरपर्सन कहेंगे हम, अब चेयरमैन नहीं कह सकते, हटा दिया मैन। हमारे यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैन है ही नहीं, वो परम सत्य मैन नहीं है। परम सत्य क्या है, वो दोनों है, वो पुरुष भी है और नारी भी है। वो नारी के रूप में भी प्रकट होगा तो देवियाँ देवता सारे बन जाएंगे, वो पुरुष के रूप में प्रकट होगा तो उसमें से देवता निकल जाएंगे सारे के सारे। तो वो जो है न्यूट्रल जेंडर में इसलिए माना गया है कि उसको तत् कहा है, तत्, ना इधर उसको सा ना उसको सा माने वह और सा माने स्त्री। तो ये ब्रह्म के साथ नहीं लग सकते, ना ब्रह्म पुरुष है ना ब्रह्म नारी है। ब्रह्म जो है वो आधा पुरुष और आधा नारी है, वो नारी भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए उसको अर्धनारीश्वर कहा है। अर्धनारीश्वर में ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है कि स्त्री से पुरुष संतान पैदा हुई, तो वहाँ मसला आया कि ये जो प्रॉब्लम है जो औरतें कह रही हैं कि इसको हटाओ, ये कोई मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। हम ईश्वर के साथ, गॉड के साथ शी लगाना शुरू करते हैं, गॉड इज ग्रेट शी इज एवर, तो लोगों ने कहा गॉड के साथ जो शी लगाए उनकी गर्दन काट दी जाएगी, गॉड शी हो ही नहीं सकता, गॉड ही रहेगा। हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो है कि वो नारी भी है पुरुष भी है। क्या है वो, इसके बारे में चूंकि पता नहीं इसलिए कहा कि वो नारी भी है पुरुष भी है। वो नारी भी बन सकता है, नारियों के रूप में भी प्रकट हो सकता है उसमें, तो उसको कहा अर्धनारीश्वर है वो। अब ये अर्धनारीश्वर जो है ये ऐसा नहीं है कि पुरुष में से नारी पैदा हुई, वो शुरू में नारी और पुरुष दोनों मिला हुआ है। वो पुरुष शुरू में था, ये तो गड़बड़ हो जाएगी एक तरह से, ये हो जाएगा भाई पुरुष प्रधान हो गया, पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष और नारी बिल्कुल समान है। तो दैट जो है, दैट ना ही है ना शी है, वो दैट ही है, तो इसलिए उसको अर्धनारीश्वर कहा है कि वो अर्धनारीश्वर है, आधा नारी है आधा पुरुष है, वो मिलकर के परम सत्य बनता है।